हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं वेज चाउमीन बच्चों की डिमांड पे, तो उसकी रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए चलना होगा आपको मेरे किचन में। तो चलिए चलते हैं आप किचन की तरफ। ये है जी मेन इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हुए, उनको ब्रिक ब्रिक काट लिया हुआ है। पत्ता गोभी, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया है। ये रही कैप्सिकम, क्योंकि मैंने कम ही डाली है, बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये है, और एक पैकेट लिया हुआ मैंने हाका नूडल्स का। तो ये रही जी हमारी चिल्ली टमाटो सॉस, और ये है हमारी सोया सॉस है, और ये रहा जी हमारा विनेगर। तो ये सब हम ऐड करेंगे नूडल्स में। ये है सबसे मेन प्रोसेस। मैंने एक कढ़ाई में पानी जो है बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब ये पानी बॉईल होगा ना, तो इसमें ऐड करूँगी मैं नूडल्स। उससे पहले क्या करना है, नमक ऐड करना है, और 2 से 3 बूंदे हमने रिफाइंड की इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। उसके बाद जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना आपका, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नूडल्स ऐड करेंगे। इनको तोड़ना नहीं है, जैसे है पैकेट में एज इट इज डाल दो इनको। तो बस तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे चाउमीन जो है ना, वो पकना स्टार्ट हो गया। आपने देखा होगा कि मैंने इनको तोड़ा नहीं था, मैंने डायरेक्ट ही इनको पूरा का पूरा पैकेट वैसे ही डाल दिया था। जैसे मैंने इनको गर्म पानी में डाला ना, तो इनकी लेयर्स कैसे खुल गई, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, लंबे के लंबे वैसे ही हैं। तो बस अब इनको मैंने हल्के से इनको ना 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया है। तो अब हमारे चाउमीन जो है वो पक के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जाली वाली जो ये टोकरी जैसी है इसमें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो गर्म पानी है ना वो निकल जाएगा, और हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, ठंडा पानी ऐड करेंगे, ताकि ये अलग अलग ही रहे और ज़्यादा ना पके। तो अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिए सारे के सारे चाउमीन इस जाली वाली टोकरी में, क्योंकि इससे गर्म पानी जो वो ईज़िली निकल जाएगा। और आप मेरी कढ़ाई देख सकते हो, इसमें एक भी चाउमीन नहीं चिपका है। अब गर्म पानी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा पकने नहीं चाहिए। ठंडा पानी इसकी हीट को रोक देगा। तो यहाँ पे मैं ये देख सकते हो, मैं ठंडे पानी से इनको वॉश कर रही हूँ, मतलब ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा पके नहीं। ठंडा पानी ऐड करने का एक बेनिफिट है, क्योंकि ये अलग अलग ही रहेंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हमें अलग अलग ही रखना है, इनको चिपकाना नहीं है, तभी इसमें ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं। मैंने कढ़ाई में ना थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, जो मैंने वेजिटेबल्स ली थी ना, उनको हमने हल्का सा पकाना है, कम से कम 5 मिनट के लिए हल्का सा पकाना है उनको। तो जी तेल अच्छे से गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स ली थी उनको एक साथ ऐड कर दिया है, और इनको कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सॉस। सब्जियों को 5 मिनट पकाने के बाद मैं करूँगी इसमें जितनी भी मैंने सॉसेस ली हुई हैं उनको ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डार्क कलर आता है, और ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। ये मैंने ऐड किया विनेगर, और जो चिल्ली सॉस है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी, क्योंकि छोटा बेबी है उसको भी खानी है। तो उसके बाद ही मैं इसमें चिल्ली सॉस ऐड करूँगी, और सब सॉस ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करो और फिर सर्व कर दो सबको, क्योंकि साथ में साइड में आपको बच्चे खड़े दिख रहे होंगे कि वो वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सब बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं, मतलब देखो कितने प्यार से खा रहा है ये। तो यहीं पे एंडिंग करती हूँ आज के ब्लॉग की। आई होप कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।